हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवानी ब्लॉग। और आज मैं अपने देखिए मैं बिस्सी टावर में खड़ी हूँ। मेरी फ्रेंड का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो चुका है और बस अभी मैं आपको एक मोस्ट टैलेंटेड लड़के कान्हा से मिलवाने वाली हूँ। आ गए कान्हा और ये अपने। हेलो, मैं हूँ कान्हा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो भोजपुरी भोजपुरी राजा वाला। और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा भैया जी आप लोग, और ख़ासकर बलिया वाले बिहार वाले जहाँ जो भी ये वीडियो देख रहा है उसके लिए लाइक सब्सक्राइब कमेंट जल्द कीजिएगा। गाना तो सुना दो, गाना गाना है ना, सुनाएंगे ना तो सुनाओ जल्दी। कहाँ जा रहे हो? जल्दी करो थैंक यू वेरी मच, लाइक सब्सक्राइब कमेंट को जो भी करना। देखा आप लोगों ने बलिया के कान्हा का डांस। चलिए ठीक है, आगे भी और आप प्लीज लाइक कीजिएगा क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। ठीक है, और मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं बलिया का हूँ। आपको जो करना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब पीटिए पार्टी करिए, ये गलत कीजिए कुछ भी करने के लिए। नास्टिक बहुत दिख रही है, एक और नाच दिखा दो। लगदा 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 ये पागलपन कर रहे हैं आप। कुछ गाना गा दीजिए, डांस मत करिए आप, बस एक और गाना गा देंगे। ये पागलपन की है बेटा, पागलपन दिखाना जरूरी है बेटा, पागलपन दी करो सब करो। प्लीज लाइक द वीडियो करिए। देखा आप लोगों ने कान्हा को मिला। चलिए ठीक है, और अभी भी उनका मूड है आने का बार बार, है ना? क्या बताऊं, अभी क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं? क्या बताऊं, पब्लिक है, पब्लिक का सब जानती है भैया। आप लोग जितना लाइक कीजिए उतना मेरा मतलब मान बढ़ेगा। मैं आपके लिए और ढेर सारी वीडियो बनाऊंगा इनके साथ। शिवानी मतलब अब मेरा चैनल कान्हा ही चलाएंगे, है ना? चैनल है ना गाना, देखा जाएगा जो होगा। चलिए कान्हा के लिए लाइक करिए और ये वीडियो, और खासकर औरतों से वो जरूर लाइक कीजिए, उनके लिए हम बना रहे हैं वीडियो। अच्छा, और क्योंकि हम कान्हा है, मुरली बजाते हैं। ये कान्हा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? सबका दर से हम पर एक छपरा लौट के ना जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे, बलिया अरे लखनऊ में ही पढ़ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, पढ़ते हैं क्लास एट में, पढ़ते हैं क्लास एट में, स्कूल का नाम है CMS में पढ़ते थे। ठीक है, लाइक कीजिएगा, थैंक यू वेरी मच। कान्हा इंटरटेनिंग कान्हा मिल रही है आप लोग। चलिए ठीक है, चलिए। और आज है सैटरडे नाइट और हम आए हैं अपने घर के पास डिनर करने पेबल्स में। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ पेबल्स आइए। आज का दिन तो बहुत कुछ खास नहीं था, चलिए घर चल के मैं आज के दिन के बारे में बताऊँगी। फिलहाल अभी चलते हैं पेबल्स और मैं आपको दिखाती हूँ पेबल्स। और देखिए मैं कैसी लग रही हूँ, तभी तो दिख नहीं रहा है मेरा ड्रेस। चलिए आ गए हम पेबल्स में, बहुत ही अच्छा यहाँ पर है सारा कुछ। हम लोग पेबल्स आ चुके हैं और ये मैं आपको रेस्टोरेंट के अंदर का व्यू दिखा रही हूँ। ये एक्चुअली ये ओपन एयर रेस्टोरेंट है, सो मैं दिखा रही हूँ आपको। और ये बहुत मतलब बिल्कुल भी गर्म नहीं करता है, बहुत ही सुंदर तरीके से इसे बनाया गया है। अंदर में भी इसके लिए कुछ बैठने की जगह है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, बट कोई अंदर बैठना प्रीफर ही नहीं करता क्योंकि बाहर इन्होंने इतना सुंदर अरेंजमेंट करके रखा हुआ है। बहुत सुंदर लाइटिंग है और यहाँ पे पता है लाइव लोग गाना गाते रहते हैं, मतलब लाइव सिंगर्स भी आते हैं जो सैटरडे और संडे के दिन इंटरटेन करते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा गाना ये लोग गा रहे थे, पुराने गाने जो मुझे बहुत पसंद है। और बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने उस सैटरडे नाइट। ऐसा हमारा कुछ प्लान नहीं था बाहर जाएंगे, बस ये रैंडम प्लान बना और हम गए। और ये बिल्कुल मेरे घर के पास है पेबल्स, मुझे बहुत पसंद है। यहाँ की बिरयानी बहुत औसम होती है। और ये देखिए नीचे पूरा इसमें वो पेबल्स ही बिछी हुई है, सिर्फ इसका नाम पेबल्स है, मार्बल की छोटी छोटी सी पेबल्स बिछी हुई हैं। और ये देखिए बच्चों लोगों ने यहाँ, इनको दोस्त मिल गई एक, और बस ये लोग बैठ के यहाँ पे कुछ अपने वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं। और चलिए मैं आपको अंदर से भी रेस्टोरेंट दिखा देती हूँ। मुझे तो ये बहुत पसंद आता है, मैं हमेशा बाहर ही बैठना पसंद करती हूँ यहाँ पर। तो बस चलिए रेस्टोरेंट के अंदर एक बार मैं बाहर से फिर से आपको व्यू दिखा रही हूँ यहाँ का, देखिए। और चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं। अंदर देखिए पूरा खाली है क्योंकि कोई अंदर बैठने को तैयार नहीं है, सबको फ्रेश एयर में ही बैठना पसंद आता है। और यहाँ की यही स्पेशलिटी है कि सभी लोगों को बाहर फुल अरेंजमेंट करके दिया हुआ है इन लोगों ने। अंदर भी बहुत ब्यूटीफुल है बट कोई बैठता नहीं है।
देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत नीट एंड क्लीन है और बहुत अच्छा है। मेरे घर के पास गोमती नगर में जो लोग हैं उनको पता होगा पेबल्स के बारे में, काफ़ी फेमस है गोमती नगर में और इनका फूड भी बहुत ऑसम होता है। ये देखिए अब बताइएगा ज़रूर कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने खुद को भी क्लिप में ला दी थोड़ा थोड़ा सा, तो बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। और बस अब बाहर चलते हैं हम लोग, शायद हमारा डिनर भी आ गया होगा तो डिनर करते हैं। पीछे से देखिए, पीछे का पूरा मैं एम्बियंस दिखा रही हूँ आपको। अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो ज़रूर एक बार पेवल्स आइए, यहाँ की बिरयानी खाइए, यहाँ की बिरयानी बहुत औसम है। और ये देखिए ये यहाँ का जो वेटर है, ये हम लोगों वेटर नहीं बोलूँगी उनको, ये तो फ्रेंड की तरह हो चुके हैं, तो ये बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। और बस हम लोग का डिनर वगैरह हो चुका है और अब डिनर करके हम बाहर आए हैं और बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं और नैरा मैडम इतनी डेस्परेट है आइसक्रीम खाने के लिए कि बिल्कुल चढ़ गई है उसके ऊपर और ले रही है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। बस अब आज का डे यहीं पर एंड करती हूँ मैं, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।